यहाँ पे बना हुआ है गौशाला। अब ले चलते हैं तुमको गौशाला के अंदर, दिखाते हैं कि गौशाला के अंदर कैसे है। बाबा शक्तिपुत्र गुरुदेव जी महाराज के यहाँ पे जो गौशाला बनी हुई है वहाँ पे अंदर कैसा है दिखाते हैं उसका। जिसे आर्टिफिशियल बना होता है वैसा लग रहा है देखने में, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल बना हुआ है। ऐसा है पूरे में, आगे पहुंचते हैं फिर दिखाते हैं आगे। ये ऐसा है कुछ, यहाँ का व्यू देखो आप। ये गौशाला, यहाँ पे गए हैं। ये मेरी बहन है, अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाएगी। हाय, ये अभी पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करवाएगी, बताएगी कि कहाँ पे क्या है, कैसे है और क्या घूमना है। ये ऑलरेडी घूम चुकी है और जानती है इसके बारे में बहुत अच्छे से। बता दी भाई, हाय हाय। हेलो, ये गौशाला है, यहाँ बहुत सारी गाय हैं। ये मैं हूँ। ये है, हाँ बताओ, इंट्रोड्यूस करवा सबसे। हाँ, देखो ऐसे हैं गाय, यहाँ पे घूम रही हैं, बहुत सारा दूध देती। हाँ एक्सप्लेन करो ना, ये एक्सप्लेन कर रही है। देती है, उससे दही बनता है और भक्तों के लिए मतलब आराम रहता है, दूध चाय मिलती है सब कुछ। यहाँ पे बहुत सारे भक्त जो हैं अपनी सेवा देते रहते हैं। और यह खेत भी है थोड़ा। हाँ यहाँ खेत है, यहाँ आम के पेड़ हैं, बाग है। ये अंदर रहने का है अंदर। और देखो यहाँ पे यहाँ मारती भी है ये गाय। यहाँ पे चारा ऐसे डाल दिया जाता है और चारा ऊपर भूसा है ऊपर, खाती हैं ऐसे। यहाँ पे कुछ नहीं है, बैल के आगे चलो। यहाँ पे इसके बगल में देखो इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा आकर्षक लगती है। देखो पहाड़ ऊपर ऐसा है और पहाड़ जैसा है और उस पर घास बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये गेट बंद है यहाँ पे, इसके अंदर और भी ज़्यादा देखने वाला था, बहुत ही ज़्यादा। और ऊपर तो पहाड़ जैसा दिखा, कितना आनंदित, कितना आकर्षक मौसम लग रहा है। यहाँ पे रहने का मन करता है, रुकने का मन करता है और विश्राम करने का मन करता है। यहाँ पे ऐसे ही लगातार बने रहें, बिकॉज़ क्या मौसम बहुत अच्छा लगता है। दोपहर के टाइम अभी है और थोड़ा सा अगर शाम का टाइम होता तो और भी ज़्यादा अच्छा और आकर्षक मनमोहक लगता है। ये यहाँ पे ये ऑलरेडी घूम चुकी है, देखो ये घूम के कहाँ जा रही है, पगली है बिल्कुल। अभी बताइए थोड़ा सा इसके बारे में, अभी और पूछता हूँ कि यहाँ पे कैसे है क्या है। और इधर गेट बंद है, ये वाला गेट ना बंद होता थोड़ा और ज़्यादा आकर्षक लगता। यहाँ पे खेत है कुछ, हमें तो लगता नहीं था यहाँ पे खेत होगा, लेकिन खेत भी है यहाँ पे। ठीक है, आगे की चीज़ें दिखाते हैं, कैप्चर करते हैं फिर दिखाते हैं आपको यहाँ पे ऐसे। हाँ ये ऐसे मशीन लगी हुई है, बिल्कुल मशीन से बेचारा। ये देखो चारा ऐसे मशीन से काटा जाता है, मशीन से काट के फिर डाला जाता है, जो खाना बचता है यहाँ पे खिला दिया जाता है।